हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान में। तो आज मैं जो आपको अपडेट बताने वाला हूँ, ये वैकेंसी की अपडेट मैंने आपको कुछ समय पहले ही अपडेट करके बताया था कि टाटा स्टील कंपनी की तरफ से जो है एक न्यू प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम। ठीक है, अब उसमें देखो वहाँ पे जो है ऑनलाइन फॉर्म तो खत्म हो गए थे, बट उनका जो कुछ जो ब्रांच थी उनका जो है एग्जाम हो गया था। जैसे कि कई ऐसी ब्रांच थी जिनका एग्जाम हो गया था, जैसे कि मैकेनिकल, ठीक है, प्रोडक्शन, और भी यहाँ पे कई सारी ब्रांच के लिए यहाँ पे जो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट था वो हो गया था। लेकिन इसके लिए कुछ ब्रांच अभी भी बाकी थी जो कि होल्ड पर ये जो एग्जाम था वो रखा गया है। अब इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ये इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है टाटा स्टील का, AEP का जो ऑफिशियली प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसी के लिए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि आपका जो जो रिटन टेस्ट होगा वो कब से यहाँ पे जो है ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए जरूर से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर ना ही हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही गवर्नमेंट और जॉब की अपडेट सबसे पहले मिल सके। और पल पल के अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ, ये ब्रांच उन लोगों के लिए है जो जो कैंडिडेट मान लीजिए यहाँ पे जिनकी जो ब्रांच थी, कई ऐसी ब्रांच थी जो होगी ये एग्जाम था वो होल्ड पर रखा गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपको ब्रांच जो होल्डिंग पे रखी गई है, ठीक है, वो आप देखने को मिलेंगी आपको, जैसा कि मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये आपकी जो ब्रांच थी ये होल्ड पर रखा गया था। अब इसका फाइनली जो रिटन टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसके थ्रू मैं आपको सारी अपडेट यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना हो। ठीक है, तो चलिए देखो, जो भी आपको सूचित, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगी वो आपको ईमेल आईडी के थ्रू ही मिलेगी। ठीक है, ईमेल आईडी का एक फॉर्म, वो एक आपको ऑप्शन मिलता है, एक स्पैम का फोल्डर मिलता है, ठीक है, और एक आपको मिलता है जंक का फोल्डर। ठीक है, तो दोनों फोल्डर को देख लीजिएगा, वहां पे आपको सारी डिटेल्स जो है वो आपको बताई गई होंगी, और मैं आपको एक इनका ईमेल एड्रेस भी बता दूंगा, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी, ठीक है, इनके लिए, तो वो डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट इनसे कर सकते हो। ठीक है, जो कि 6 अक्टूबर से ये आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होगी, ये आपको पहले ही ध्यान रखना होगा, जो भी आपको क्वेश्चंस याद हो या फिर जो आपको सही लगे वही करना, वरना फॉर्म गलत कर, मतलब कोई भी क्वेश्चंस को आप गलत करोगे तो भाई आपके वहां पे मार्क जो है वो काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसकी डिटेल जो है वो बता देता हूँ, कौन कौन सी ब्रांच कब से स्टार्ट इसकी और जो टेस्ट है वो होने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे टाटा स्टील की ऑफिशियली वेबसाइट पे मैं आया, तो यहाँ पे आपको एक जो एडवर्टाइजमेंट का एक ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम 2024 नोटिफिकेशन। अब जिस पे आप जो ये लिंक जो दे रखा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन खुल के ओपन हो जाएगा, और ये नोटिफिकेशन जो है 24 सितंबर के लिए यहाँ पे आउट किया गया है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट, इनकी ऑफिशियली पोर्टल पर। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा, जो कि देख सकते हैं एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम 2024 नोटिफिकेशन, इसका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे 14 अगस्त से हुआ था। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 5 सितंबर रखी गई थी। इसमें दोस्तों कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके लिए जो एग्ज़ाम था वो यहाँ पे इनका हो चुका है, कुछ कुछ जो ब्रांच हैं उनके लिए, और ये जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच हैं इनके लिए जो जो एग्ज़ाम था वो होल्ड पर रखा गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ड्यू टू बिजनेस रिक्वायरमेंट हैज़ बीन शेड्यूल ऑफ 6 अक्टूबर 2024। ठीक है, अब इनका 6 अक्टूबर 2024 से इनका जो ऑनलाइन जो टेस्ट होगा, ऑनलाइन रिटन टेस्ट, वो आपका स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं AEP यानी कि एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम जनरल ड्राइव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो डोमेन जो ड्यूरेशन रखी गई है वो आपको 120 मिनट की देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन डेट जो रखी गई है वो आपको 6 अक्टूबर देखने को मिलेगी। ये इनका जो 3 आपको यहाँ पे जो शेड्यूल हैं वो रखे गए हैं, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आप देख सकते हो। और इनके लिए जो डोमेन है जो कि ब्रांच एलिजिबल हैं वो आप देखेंगे मैकेनिकल और प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल वालों के लिए 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जिनके लिए सबसे पहला जो बैच होगा वो 9 बजकर स्टार्ट हो जाएगा और 11 बजे समाप्त हो जाएगा। दूसरा बैच जो होगा वो होगा 12 से 2 बजे तक, और तीसरा जो होगा वो 3 से 5 तक। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, ये भी 6 अक्टूबर को ही होगा। ठीक है, इनमें गैप दिया गया है,
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 8 बजे से स्टार्ट होगा, यहाँ 10 तक रहेगा, ठीक है, इन कैंडिडेट के लिए। फिर 12 से स्टार्ट होगा, 2 तक रहेगा, फिर 3 से स्टार्ट होगा, फिर 5 तक रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है बताई गई हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, ठीक है। ये सभी जानकारी आपको, इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको ईमेल आईडी में, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ईमेल आईडी की इनबॉक्स में भी आप जाकर के चेकआउट वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको बताई गई हैं यहाँ पे। नोट में अगर आप देखोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 2025 यानी कि 2025 में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं उनके लिए यहाँ पे नॉट एलिजिबल, देख सकते हैं यहाँ पे नॉट एलिजिबल दिस AEP ड्राइव, ठीक है, वो नॉट एलिजिबल रहेंगे। टेस्ट कंसिस्टेंस ऑफ द नेगेटिव मार्किंग ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, +1 रहेगा, और इसके लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको +1 दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका इनकरेक्ट आंसर होगा उनका आपको 0.25% मतलब 0.25 आपके मार्क जो है वो काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो यही थी आज की अपडेट जो कि मैंने आपको बता दिया। तो जो भी कैंडिडेट मान लीजिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से की ब्रांच से एलिजिबल हैं, तो भाई सतर्क हो जाइए, 6 अक्टूबर के लिए आपका जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट है वो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी अपडेट समझ में आ गई होगी, और मैं इसका जो ऑफिशियली PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।